अगर आप सब ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जानते हैं मी टू ये सावी के लिए एक अच्छा वीकेंड था क्योंकि इसने न केवल उम्मीद से बेहतर परफॉर्म किया बल्कि अपने लिए ऐसा आधार भी बनाया कि अब इसे आगे बढ़ने के लिए बस सामान्य ट्रेंड की जरूरत है। फिल्म ने 2.05 करोड़ से अच्छी शुरुआत की जब किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी और बाद में शनिवार को जब सिनेमा लवर्स डे के बाद सामान्य टिकट प्राइस के कारण दौड़ में शामिल सभी अन्य फिल्मों में गिरावट आई तो सावी ने इसके विपरीत परफॉर्म की और ऑडियंस की संख्या में वृद्धि देखी गई जिसके परिणाम स्वरूप 2.75 करोड़ का कलेक्शन हुआ। यहां से बस एक स्थिर रविवार की शुरुआत थी और ऐसा ही हुआ क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर 2.76 करोड़ रुपए और कलेक्शन कर दिखा। ये फिल्म के बजट और इस तथ्य को देखते हुए काफी अच्छा है और इसके एक सेंटर लेडी दिव्या खोसला है जो अफेयर्स के बीच में है। सावी का बेहतर नजरिया पाने में जिस चीज ने मदद की वे थे अनिल कपूर फैक्टर। अभिनेता ने फिल्म में स्टार वैल्यू लाई और हालांकि उन्हें प्रमोशनल कंटेंट में प्रमुखता से नहीं दिखाया गया लेकिन जब ऑडियंस ने उन्हें स्क्रीन पर देखा तो ये उनके लिए एक अच्छा ट्वीट था। सावी वीक डे कलेक्शन कैसा रहता है अगर वे वाकई अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो सबसे बड़ी चैंपियन दिव्या खोसला होंगी। उन्हें पिछले साल के आखिर में यारियां 2 में भी देखा गया था और हालांकि वे लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाई थी लेकिन सावी ने लोगों का ध्यान आकर्षित कर दिया है। एक्ट्रेस ने इस भूमिका को बखूबी निभाया है। इसके बाद खुद उन्हें एक्टिंग करने का दिल करेगा लेकिन उसके लिए इन्हें वो सीखनी भी पड़ेगी क्योंकि अभी भी दिव्या कई बार एवरेज पिच देती है जो ऑडियंस को अखरता है। सावी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज़।